आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। और 6 बजे तक आपको मालूम है पोलिंग है, तो आज ये थोड़ा माहौल देख के मैंने सोचा आज 6 बजे से कल सुबह तक ये वाइन शॉप्स भी बंद करें, क्योंकि जो 5 बजे अगर फिर 6 बजे खुले तो जो वोटिंग 8 बजे तक चलने वाला है उसमें कोई पीने वाला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं करे, तो पूरा शहर में हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों में, तो मैंने वो एक्सटेंड किया था अपने तरफ से सिटी पुलिस के एक्ट के अंदर। फिर अभी अच्छा सब कुछ शांत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दो जगह कुछ प्रॉब्लम है तो हमने पकड़ा ये डुप्लीकेट ईवीएम मशीन किसी पार्टी का, और किसी पार्टी का जो वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के सामने वो कैंपेनिंग नहीं करना तो वो मटेरियल रख के, तो उसको सीज़ किया। ऐसे दो तीन केसेस रजिस्टर हुआ, तो सब कुछ शांत है। और अभी आने वाले 2-3 घंटे भी हमारे पूरा फोर्सेस जो है ग्राउंड में है, रूट मोबाइल्स है, जोनल स्पेशल टीम्स है, लॉ एंड ऑर्डर पिकेट्स, ट्रैफिक इंटरसेप्शन पॉइंट्स, फिर QRTs, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्सेस सब कुछ है। तो आपको मालूम है SB और हमारा टास्क फोर्स भी घूमते रहते हैं, तो किसी तरह की ये जो वायलेशन है नहीं होने देंगे, और अगले 3 घंटे में ये अच्छी तरह, और वोटर टर्नआउट भी शायद उम्मीद है इस बार ज़्यादा टर्नआउट होंगे, और मौसम भी साथ दिया, ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी तक तो बारिश भी नहीं है, नहीं होना चाहिए 7 बजे तक, तो अच्छा है। तो अगर 50% टच होता तो बहुत अच्छा होता। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।